प्रिय दोस्तों, मैं ज्योतिषाचार्य पंडित नरेंद्रनाथ पांडे मध्य प्रदेश ग्वालियर से बोल रहा हूँ। जिस सने प्यार के साथ आप लोग मेरे वीडियो को, प्रोग्राम को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, फरमाइश कर रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद। दोस्तों, मेरा भी पूरा प्रयास है कि आपको अपना कुंडली, खुद का कुंडली देखने का ज्ञान प्राप्त कराऊँ। आप इसी प्यार सने के साथ मेरे प्रोग्राम को, वीडियो को देखते रहें। दोस्तों, आपके सहयोग के लिए मेरे प्रत्येक वीडियो, मेरा मोबाइल नंबर है, डिस्क्रिप्शन में भी है, फिर भी मैं बोल देता हूँ, मेरा मोबाइल नंबर 9425308111। ये मोबाइल नंबर मैं इसलिए देता हूँ कि कोई वीडियो संबंधित प्रश्न हो, आप मुझसे संपर्क करिए, मैं फ्री सेवा कर दूँगा। मगर कोई मित्रगण अगर अपने कुंडली का विशेष विश्लेषण कराना चाहते हैं तो संपर्क करिए, उसके लिए कुछ आपको फीस देना होगा। फीस देंगे तो मैं पूरा विवेचन करूँ। आज एक बहुत अच्छा प्रोग्राम प्रस्तुत कर रहा हूँ, शनि सूर्य ग्रह की युक्ति, कुंडली में प्रत्येक राशियों में क्या लाभ क्या हानि देता है, इसको आप सुनिए। जिसके कुंडली में मेष राशि में शनि शुक्र की युक्ति हो, ऐसे लोग मानसिक रूप से परेशान रहते हैं, स्वास्थ्य से परेशान रहते हैं, पारिवारिक जीवन से परेशान रहते हैं, सोच गंदी होती है। जिसकी कुंडली में वृषभ राशि में शनि सूर्य की युक्ति हो, ऐसे लोग धन तो अच्छा कमाते हैं, अच्छा उन्नति करते हैं, परंतु अपने गलतियों के कारण कमाए इज्जत प्रतिष्ठा को बर्बाद कर देते हैं, संघर्ष करते हैं। जिसके कुंडली में मिथुन राशि में शनि शुक्र सूर्य की युक्ति हो, ऐसे लोग माता पिता के विरोधी होते हैं, विचार में मतभेद रहता है, माता पिता से इनको माता पिता के सुख में वंचित रहते हैं, उनसे कोई सहयोग नहीं मिलता है। जिसके कुंडली में कर्क राशि में शनि सूर्य की युक्ति हो, ऐसे लोग संसद बनते हैं, विधायक बनते हैं, प्रशासनिक अधिकारी बनते हैं। जिसके कुंडली में सिंह राशि में शनि सूर्य की युक्ति हो, ऐसे लोग की शिक्षा अधूरी रह जाती है, ऐसे लोग के कैरियर डैमेज हो जाते हैं, ऐसे लोग उन्नति नहीं कर पाते हैं। जिसके कुंडली में कन्या राशि का शनि सूर्य हो, ऐसे लोग शत्रुओं से परेशान रहते हैं, मानसिक रूप से परेशान रहते हैं, परंतु अंतोगत्वा विजय प्राप्त करते हैं, कोई केस मुकदमा नहीं हारते हैं, एवं व्यक्ति को पहचानने की इनमें क्षमता होती है। जिसके कुंडली में तुला राशि में शनि सूर्य की युक्ति हो, ऐसे लोग अक्षमातिक पद की प्राप्ति करते हैं, ऐसे लोग को सरकार से पद मिलता है, ऐसे लोग छोटी नौकरी करके उच्च पद की प्राप्ति करते हैं, परंतु संकित रहने के कारण, विश्वास होने के कारण ये हमेशा संघर्ष करते हैं। जिसके कुंडली में वृश्चिक राशि में शनि सूर्य की युक्ति हो, ऐसे लोग स्वास्थ्य से परेशान रहते हैं, मानसिक रूप से परेशान रहते हैं, अपने लोगों से परेशान रहते हैं, और आर्थिक हमेशा उतार चढ़ाव जीवन में बनी रहती है। जिसके कुंडली में धनु राशि में शनि सूर्य की युक्ति हो, ऐसे लोग जीवन में इच्छानुसार कभी नहीं उन्नति कर पाते हैं, परिश्रम का कभी लाभ नहीं मिल पाता है, बने काम में रुकावटें आती हैं, हमेशा कर्जे में डूबे रहते हैं। जिसके कुंडली में मकर राशि में शनि सूर्य की युक्ति हो, ऐसे लोग लोहा मशीन केमिकल गल्ला धातु संबंधी व्यापार करते हैं, करोड़ों रुपया प्राप्त करते हैं। जिसके कुंडली में कुंभ राशि में शनि सूर्य की युक्ति हो, ऐसे लोग विदेश जाते हैं, विदेश से धन कमाते हैं, ऐसे लोग कई जमीन जायदाद के मालिक होते हैं और दयालु होते हैं, गरीबों की सहायता करने वाले होते हैं। जिसके कुंडली में मीन राशि में शनि सूर्य की युक्ति हो, ऐसे लोग का चौथापन अच्छा नहीं जाता, इनके संतान इच्छानुसार नहीं रहते हैं, ऐसे लोग के पास कभी धन संचय नहीं होता है, हमेशा आर्थिक परेशानी, मानसिक परेशानी और पारिवारिक परेशानी इनके जीवन में बनी रहती है। ये छोटा सा वीडियो शनि सूर्य की युक्ति कुंडली में प्रत्येक राशियों में क्या लाभ क्या हानि देता है, इसको सुनिए।
इससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो मुझसे करिएगा, मैं सहयोग करूँगा। इतना कहते हुए वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। नमस्कार।